जिला मंडी के मोहम्मद रफी अपने जानवरों के प्रति प्रेम और शौक के कारण संपूर्ण प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। इससे अब वे किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सुंदरनगर उपमंडल के दिनकर पंचायत के रहने वाले मोहम्मद रफी व उनके बेटे शाकिर मोहम्मद द्वारा पाले के बकरे इस ईद पर क्षेत्र में हैरानी का कारण बन गए हैं। बीटल नस्ल के इन बकरों का वजन 80, 90 और 120 किलोग्राम है। मोहम्मद रफी प्रदेश भर में पोल्ट्री और फीड का कार्य करते हैं और इनका जानवर पालने का शौक घर पर मौजूद बेहतर नस्ल की गाय, भेड़ और बकरियों से अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बकरीद के अवसर के लिए 120 किलो का एक बकरा 50,000 रुपए में घुमारमी से खरीदा है। मोहम्मद रफी चिकन के कारोबारी होने के बावजूद उन्होंने बकरी पालन से लोगों को आर्थिकी का एक नया रास्ता दिखाया है। मोहम्मद रफी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही जानवर पालने का शौक है। उन्होंने कहा कि उनके पिता जानवरों की खरीद फरोख्त का कार्य करते थे और इस कारण शुरू से ही जानवरों से लगाव रहा। मेरा नाम मोहम्मद रफी, हम पोल्ट्री का काम करते हैं 25-28 साल से, और मेरा शौक है कि मैं अच्छे नस्ल के बकरे और भेड़े पालूं। और मैंने पाले, एक बकरा एक क्विंटल 20 किलो तकरीबन है और दूसरा एक क्विंटल के करीब है। तो ये पोल्ट्री के काम के साथ साथ ये भी मैंने पाले हैं, मेरा शौक है ये। और अगर सरकार सहयोग करे तो ये फार्मरों के लिए बहुत अच्छा एक कमाने का साधन है। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।